जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉन्सिल्स की बीमारी गले में होती है। इसका मुख्य कारण शरीर में आयोडीन की कमी का होना है। टॉन्सिल होने पर गले में सूजन और दर्द होने लगता है। जब कभी हमारे गले के अंदर की गांठों में कोई परेशानी होती है तो वो अंदर से सूजकर फूलने लगती है, जिस कारण गले में सूजन होती है। दोस्तों, टॉन्सिल्स के कारण खाने पीने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ये दर्द बढ़ता ही जाता है। कुछ बोलने में परेशानी होने लगती है, यहाँ तक कि पानी और थूक निगलने में भी दर्द होता है। टॉन्सिल्स की समस्या बढ़ जाए और अगर हम डॉक्टर से सलाह करें तो हमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, पर टॉन्सिल्स का इलाज देसी आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों से भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये समस्या अधिकतर छोटे बच्चों में भी पाई जाती है। आइए जाने कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और कौन से घरेलू इलाज टॉन्सिल की बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, टॉन्सिल्स के मुख्य कारणों में संक्रमण यानी इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण होता है। यूं तो टॉन्सिल्स इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसके इलाज में देरी बरती जाए तो ये समस्या आपको बहुत परेशान कर सकती है। वक्त रहते अगर टॉन्सिल्स का उपचार कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो ये बीमारी आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है। टॉन्सिल्स की बीमारी के कुछ और कारण भी हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे जुकाम के कारण भी टॉन्सिल्स हो सकता है, पेट की समस्या जैसे गैस या कब्ज के कारण भी हो सकती है, ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना खाने से भी टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र के कमजोर होने के कारण या ठंडी और गर्म चीज़ों को एक साथ खाने से भी टॉन्सिल्स हो जाता है। ठंडी चीज़ें आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक आदि के अधिक सेवन से भी ये समस्या हो सकती है। आइए अब जानें कि टॉन्सिल्स की बीमारी के लक्षणों की पहचान कैसे करें और इस समस्या के लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे गले में खराश रहने लगती है, गले में सूजन होने लगती है, कान और गले के नीचे दर्द का होना, दर्द के कारण तेज बुखार होने लगता है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है, ये सभी टॉन्सिल्स के लक्षण हैं। दोस्तों, आमतौर पर टॉन्सिल्स की बीमारी कुछ दिनों के इलाज में ठीक हो जाती है, परंतु कई बार यह समस्या पूर्ण रूप से दूर नहीं होती। एक बार तो इससे आराम मिल जाता है, फिर कुछ ही दिनों के बाद यह बीमारी परेशान करने लगती है। कई बार इलाज करने पर गले में टॉन्सिल्स कुछ समय के लिए दब जाते हैं और फिर से ये उबर कर बाहर आते हैं और पहले से भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। दोस्तों, आइए अब जानें टॉन्सिल्स के इलाज के घरेलू उपाय और देसी नुस्खे। टॉन्सिल होने पर देसी घी की मालिश गले में करने से टॉन्सिल्स की बीमारी में बहुत जल्द लाभ मिलता है। एक दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, गर्म पानी में लहसुन को अच्छी तरह से पीस कर मिला लें। कुछ दिन इस पानी से आप गरारे करें, ऐसा करने से टॉन्सिल्स की परेशानी से छुटकारा मिलता है। आप हर्बल चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल चाय का सेवन टॉन्सिल्स के इलाज में बेहतरीन और प्राकृतिक उपाय है। ये चाय गले में जर्म, बैक्टीरिया और भी अन्य तरह के कीटाणुओं पर असर दिखाती है और उन्हें खत्म कर देती है। ग्रीन टी, लौंग, इलायची और दालचीनी की चाय पिए। ये चाय टॉन्सिल्स के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, गाजर के जूस का सेवन भी टॉन्सिल्स में एक अच्छा उपचार है। गाजर के जूस का 2 से 3 महीने तक लगातार सेवन करने से इससे लाभ मिलता है। अनानास का जूस भी समस्या में बहुत उपयोगी है। आप चाय की पत्ती और नमक से भी इसका इलाज कर सकते हैं। पानी में चाय की पत्ती को अच्छे से उबाल लें और फिर उस पानी से गरारे करें। ऐसा करने से गले के दर्द में आराम मिलता है। गर्म पानी में नमक और फिटकरी के मिश्रण को मिलाकर गरारे करने से भी टॉन्सिल्स की समस्या से छुटकारा मिलता है। आप सिंघाड़े से भी इसका उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टॉन्सिल्स की बीमारी का मुख्य कारण आयोडीन की कमी का होना है, सिंघाड़ा आयोडीन का भरपूर स्रोत है। इस होम रेमेडी से टॉन्सिल्स की समस्या में बहुत जल्द फायदा होता है। दोस्तों, गले के दर्द और सूजन में हल्दी एक बेहतरीन उपाय है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और गोलकी की पाउडर के 1/2 चम्मच को गर्म दूध के गिलास में मिलाकर सोने से पहले इसका सेवन करें, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ ही दोस्तों, आप ये उपाय भी कर सकते हैं, आप एक कपड़े की पोटली बनाएं, फिर इस पोटली को तवे पर थोड़ा गर्म करें,
इसके बाद इससे गले पर सेक करें। ऐसा करने से गले के दर्द की समस्या कम हो जाती है। दोस्तों, नींबू और शहद से भी आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। 2 चम्मच शहद और आधे नींबू को गर्म पानी के गिलास में मिलाकर सेवन करने से टॉन्सिल की परेशानी में आराम मिलता है। इसका सेवन दिन में 2 से 3 बार करें। इससे गले के दर्द और सूजन में बहुत जल्द राहत मिलती है। आप सौंठ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गर्म पानी में सौंठ को अच्छी तरह से मिलाकर पीने से टॉन्सिल की बीमारी में जल्दी राहत मिलती है। आप अंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर को पानी में उबालकर पीस लें और फिर इसका पेस्ट बनाकर गले पर मालिश करें। इससे भी काफ़ी हद तक टॉन्सिल्स की परेशानी दूर होती है। दोस्तों, टॉन्सिल्स की बीमारी का एक मुख्य कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का कमजोर होना भी है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को भी इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।